नमस्कार दोस्तों, रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इसी महीने यानी आज 21 जुलाई है, जुलाई और अगस्त जो कि पेट रोगियों के सामने आ जाती है इन दिनों, पेट से संबंधित रोग यानी दस्त लगना, भूख का कम लगना, अफारा आना, स्किन एलर्जी होना, इस मौसम में ऐसी बीमारियां होना आम बात है। इसका एक साधारण सा रिफ्लेक्सोलॉजी बिंदु बताएंगे जिससे हम इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों जुलाई और अगस्त का महीना अगर हम TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बात करें तो जुलाई और अगस्त का महीना होता है ह्यूमिडिटी एनर्जी। ह्यूमिडिटी को हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं हिंदी भाषा में और इसे हम अर्थ एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी तीनों एक ही संबंध रखते हैं। पृथ्वी तत्व जुलाई और अगस्त महीने में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा हर थेरेपिस्ट को कि हम किसी भी ऑर्गन पर काम नहीं कर रहे, उसकी एनर्जी पर काम कर रहे हैं। अगर हम कोल्डनेस एनर्जी पर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किडनी डैमेज है इसलिए कर रहे हैं, या पृथ्वी तत्व पर काम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा पेट खराब है या पेट से संबंधित रोग है। यानी कि जिस एनर्जी पर जिस ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं वो काल्पनिक मेरिडियन होते हैं 14 मेरिडियन, और हम उनकी एनर्जी पर काम करते हैं। जिस तरह से अगर लेटे रहने को जी करता है तो पृथ्वी तत्व ह्यूमिडिटी एनर्जी में आता है और उसे हम वायु तत्व का प्रवेश करके उसमें हम ह्यूमिडिटी को कम करना चाहते हैं और लीवर के पॉइंट पर काम करते हैं, यानी कि उसकी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं हम। आज हम चर्चा करेंगे दस्त का लगना, इन दिनों दस्त इंडाइजेशन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, स्किन एलर्जी होना, ये एक आम बात है। इसका एक साधारण सा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी छोटी उंगली जब हम सबसे निचले जोड़ से नीचे मोड़ेंगे, यहाँ पर होता है हमारा तिली जिसे हम पलीहा बोलते हैं। आयुर्वेदिक भाषा की बात करें तो तिली, हिंदी भाषा की बात करें तो पलीहा, और इंग्लिश भाषा की बात करें यानी अंग्रेजी भाषा की बात करें तो वो होता है स्प्लीन। यहाँ पर स्प्लीन होता है, ठीक इससे ऊपर रिफ्लेक्सोलॉजी बिंदु हार्ट का होता है और साइड में शोल्डर का होता है। हम यहाँ पर स्प्लीन की बात करेंगे क्योंकि इन दिनों स्प्लीन और स्टमक एनर्जी चल रहा है, ह्यूमिडिटी एनर्जी में स्प्लीन और स्टमक आते हैं। मैं लिख देता हूँ, स्टमक और स्प्लीन। यानी पेट और तिली, इसकी एनर्जी पर हम काम करेंगे। ये हमारे इस साइड में अगर हम चर्चा करेंगे, ये हमारी तिली का रिफ्लेक्सोलॉजी बिंदु है। बीच वाले जोड़ से मोड़ेंगे उंगली तो ये बिल्कुल ठीक तिली के ऊपर आके टच होगी। इससे रिंग फिंगर जहाँ पर हमारी टच होती है वहाँ पर जिसे हम आयुर्वेदिक भाषा में स्वादु पिंड बोलते हैं, यानी पेन क्रिया जिसका महत्वपूर्ण रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और ये इंसुलिन हार्मोन्स को सीक्रेट करती है बॉडी के अंदर, इंसुलिन को बैलेंस रखने का काम करती है, यहाँ पर हमारी पेन क्रिया होती है। जहाँ पर मिडल फिंगर टच होती है ये हमारा लंग्स यानी फेफड़ा, और जहाँ पर इंडेक्स फिंगर टच होती है ये हमारा पेट का बिंदु है। स्टमक जिसे हम जठर बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में, अगर हम ये तो बाएं हाथ की बात हो गई, अब हम दाएं हाथ की बात करते हैं। दाएं हाथ में जहाँ पर हमारी स्मॉल फिंगर टच होगी, शुरू वाला जोड़ बीच वाले जोड़ को नहीं सीधा रखेंगे, शुरू वाले जोड़ को, यहाँ पर हमारा लीवर का रिफ्लेक्सोलॉजी बिंदु होता है।
मिडल रिंग फिंगर जहां पर टच होगी वहां पर स्वादुपिंड यानी पेनक्रियाज का बिंदु होता है। मिडल फिंगर जहां टच होगी वहां पर फेफड़े का पॉइंट होता है और जहां पर हमारी इंडेक्स फिंगर टच होगी वहां पर जठर यानी पेट का बिंदु होता है। इस तरह से हम इस पर प्रेशर देने की बजाय अगर हमारी मुट्ठी इस तरह से हम बंद करेंगे, आप देख पा रहे हैं ठीक वहां पर टच होती है हमारी जब मुट्ठी बंद करते हैं, जहां पर हमारे बिंदु जो मैंने निशान लगाए ठीक वही टच हो रहा है। इन बिंदुओं को 10 से 15 बार इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे, थोड़ा सा जोर लगा करके बंद करेंगे खोलेंगे, 10 से 15 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। इसके साथ साथ स्प्लीन डिफिशियंसी के पेशेंट जिसको स्प्लीन की कमजोरी है, ड्राई जिंजर अदरक, सूखी अदरक ड्राई जिंजर पाउडर एक चुटकी लेना होता है और उसको ताज़ा पानी से शाम को 4-5 बजे के आसपास एक चुटकी ताज़ा पानी से लेना चाहिए। ये स्प्लीन रोगों में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, पेट रोगों में रामबाण का काम करती है। हमने ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव करके देखा है और एक चुटकी अदरक, सूखी अदरक का पाउडर यानी ड्राई जिंजर का पाउडर ताज़ा पानी से लेना है और इन बिंदुओं को रोजाना 10 से 15 बार मुट्ठी बंद करेंगे खोलेंगे बंद करेंगे खोलेंगे। इस तरह से हम पेट रोगों में इस प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आराम पा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। ध्यान रहे इन दिनों बासी भोजन नहीं खाना, सड़े गले फ्रूट नहीं खाना, गर्म पानी से धोकर के साग सब्जी फ्रूट आदि खाने हैं, साफ सुथरा भोजन करना है, जहाँ तक संभव हो घर का बना हुआ खाना खाएं, योग करें प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार।